हे गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सौरभ, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल ट्रेवल हाइप। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई साहब, आज हम लोग आए हैं बेंगलोर में ही जैन पार्क, नागरभावी में है ये रहा पार्क। अभी टाइम हो रहा है 5:10 और आज हमारे साथ मम्मी, नवनीता और मेरा बेटा। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ओहो, अभी उनका सोने का टाइम है। तो हाँ, पहले अंदर चलते हैं और उसके बाद इसके बारे में और बात करते हैं ना। एक्चुअली थीम पार्क है, तो हाँ अंदर चलते हैं और उसके बाद इसके बारे में और बात करेंगे ना। यहाँ पे जहाँ पे भी देखो मैटरनिटी फोटोशूट चल रहा है। तो भाई हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ था, बेटे के लिए वो जो ट्रॉलर है वो लेके आया था, लेकिन यहाँ पे तो भाई उसको लेके चलना थोड़ा मुश्किल है। तो ट्रॉलर लग के अभी बेबी को बस हाथ पे लेके घूम रहे, देखते हैं। जगह जगह पे तो बस फोटोशूट ही चल रहा है, तो कहीं पे अपने को थोड़ा सा जगह मिल जाए तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो वीडियो कर ले। और इसी के बीच भाई साहब, बारिश ने अपना खेल दिखा दिया। बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे बारिश। मैडम जी और मम्मी को, मैडम जी को और मम्मी को थोड़ा सा शेड में बिठा दिया मैंने। तो उनको बोला बेबी को लेके वहीं पे बैठे रहो, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ वीडियो वीडियो हो सके तो आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देते ना। फिर से बारिश तेज हो रहा है भाई साहब, थोड़ा सा रुकते हैं उसके बाद चलेंगे फिर से जब बारिश कम होगा तो। कल हम लोग रेडी हुए थे आने के लिए, उस टाइम पे एकदम पूरा काला हो गया था आसमान ना, तो हम लोग नहीं निकले कि बारिश वारिश होगा। आज थोड़ा बहुत धूप था वो देख के हम लोग निकले और अभी ये हाल है भाई। तो हाँ, मैं देखता हूँ बेबी को पहले गाड़ी के अंदर छोड़ के आता हूँ, मम्मी और बेबी अंदर रहेगी और मैं आके थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत वीडियो वीडियो करने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए जैसा रहता है भाई। किस्मत ही ख़राब है पूरा, बट हमसे भी गए गुजरे कुछ लोग हैं जो लोग फ़ोटो शूट करने के लिए आए थे उनका तो हालत इतना टाइट था भाई साहब। अभी मैं जब छतरी लेने के लिए गाड़ी तक गया तो देख रहा था जो भी कॉस्ट्यूम वस्ट्यूम है वो सब ऐसे पोटली बांध के वो सब भाग रहे थे। तो हाँ, जो लोग आज के दिन, आज का कौन सा डेट है, 17 सितंबर ना, 17 सितंबर को जो लोग फोटोशूट करने के लिए जैन पार्क आए थे, अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स पे हाई डाल देना, तो पता चलेगा कितना कैसा पोपट हुआ है। ये देखो, तो हाँ पहले बेबी को अंदर रख के आते हैं, उसके बाद देखते थोड़ा सा बारिश रुकने का वेट करते। वैसे ऑलमोस्ट 6 तो बज ही गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, उसके बाद रात हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। तो हाँ, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे आके एक बार देखने के लिए तो जैसा ऐसा रहता है। तो मम्मी को, नवनीता को और बच्चे को गाड़ी में छोड़ के आ गया, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको घुमा के दिखा देते ना।
एक्चुअली ये वाला जो पार्क है वो जापानीज और चाइनीज थीम पे बेस्ड है, और आप यहाँ पे देख सकते हो अपने बचपन में वो वाला कहानी सुना कि नहीं। एक बार गौतम बुद्ध जब कुछ जंगल में कुछ ध्यान व्यान कुछ कर रहे थे, तो एक हंस का जोड़ा था वहाँ पे, तो एक शिकारी ने एक हंस को ऐसे तीर मारा था ना, तो वो वाला जो एक्चुअली सॉरी वो नहीं था, क्या बोलते उसको, राजा था, वो किसी प्रदेश का राजा था, उसने एक हंस को तीर मारा था, और बुद्ध भगवान बुद्ध ने भाग के जाके उसको बचाया, या फिर उसको थोड़ा सा सेवा शुश्रूषा किया था, सेवा किया था सॉरी, तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पे जाके उसका सेवा किया था, तो वो वाला जो स्टोरी है वो यहाँ पे डिपिक्ट हुआ है। लोकेशन वैसे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर भी बनाया भी है, लेकिन भाई साहब क्या है ना, फ्री का माल। इस पार्क के एंट्री करने के लिए वैसे कुछ चार्जेस तो है नहीं, तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही गंदा है। मतलब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्जेस वार्जेस लगा के ना, जैसे 5 रुपये पर हेड या फिर कुछ ऐसा चार्जेस वार्जेस लगा कि इसको मेंटेन करना चाहिए था। जैसे ये फ्री है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा फोटोजेनिक प्लेस है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है, तो इसका हालत भी ऐसे ही टाइट है। ये सब देख सकते हो, पूरा काई जमा हुआ है ऊपर, जगह सीरियसली बहुत ही अच्छा है। तो ऑथोरिटी को चाहिए था इसको थोड़ा सा 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये कुछ भी लगा के इसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए ना, अगर मेंटेन अच्छे से किया जाए तो इतना अच्छा फोटोजेनिक प्लेसेस है। ये देखो, तो मैं वैसे भी अगर आप गूगल पे जैन पार्क डालोगे तो आपको ये इस जगह को एकदम पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके आते हैं। मेरे घर से मतलब हेब्बल से बोल रहा हूँ, कुछ 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ का। एरिया वाइज नागरभावी में है, तो एरिया वाइज लोकेशन वाइज सब कुछ ठीक है, बस वही थोड़ा सा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। तो इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 5:30 to 9:00 और इवनिंग को 4:30 to 7:00 का तक का यहाँ पे एंट्री मिलता है, और एंट्री बिल्कुल फ्री है, वही एक मेन चीज़ है। कहा एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो थोड़ा सा अगर एंट्री कुछ चार्ज वार्जेस लगा के इसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए तो सीरियसली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकता हूँ, मम्मी नवनीता और बच्चे सब गाड़ी के अंदर है बैठे, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। बारिश में मैं भी थोड़ा बहुत भीग गया, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे और नहीं रुकता हूँ, तो चलते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत पोपट तो हो गया, तो बट हाँ जितना भी हो सका मैंने ट्राई किया वीडियो करने के लिए। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। और हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि आज के तारीख को 17 को कौन कौन लोग यहाँ पे आए थे फोटोशूट करने के लिए, अगर आप में से कोई वीडियो ये देख रहे हैं तो प्लीज़ यार कॉमेंट करके बताना।
तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरे जगह पे, तो दूसरा जगह एक्सप्लोर होते हैं, तब तक के लिए।